और हमारे शक्ति भाई थे सबसे ऊपर जाने वाले। मुझे कुछ चीज का गम नहीं है, मेरा पैर पे चोट लगी, मुझे गम इस चीज का, मेरी 200 की टी शर्ट फट गई। तो दोस्तों, माँ नंदा देवी की पाती खड़ी हो चुकी है। अब एक दो घंटे बाद भव्य मेला या कौथिक, जो भी आप लोग समझ सकते हैं, वो शुरू होगा। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका है और अब शुरू होने वाली है माँ नंदा देवी की पूजा। माँ नंदा देवी को नचाते हैं और जो लाइट है ना पति को, उसे खड़ा करते हैं। शायद से खड़ी होने वाली है, तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सेम डे है, हम सुरेंद्र, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में कुनेत गांव से। तो इस प्रकार से पति खड़ी होती है और इसमें ना ककड़ी वगैरह सब कुछ लगा होता है। ये देखो, तो कुछ इस प्रकार से अब इसे खड़ा किया जाएगा। देखते हैं भाई, बहुत मुश्किल का काम है। दोस्तों, बहुत कठिन का काम है, क्योंकि ना इसे यहाँ से खड़ा किया जाता है और वहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ है और सीधे वहाँ डालते हैं। ना बाटू बताणू, ना समले के जानू, ना वेयू अपाणू बिराणू। Hey!
तो दोस्तों माँ नंदा देवी की पाती खड़ी हो चुकी है। अब एक दो घंटे बाद भव्य मेला या कौथिक जो भी आप लोग समझ सकते हैं वो शुरू होगा। पहले तो माँ नंदा देवी को नचाते हैं, जैसे कि आपने एक पिछले व्लॉग में देखा होगा, क्लियर से तो मैंने नहीं बता रखा है। तो पहले माँ नंदा देवी को नचाते हैं और माँ नंदा देवी उस पर चढ़ती है, मतलब तो उसके बाद आपको पता ही है हमारे जैसे छिछोरे लौंडे उस पर चढ़ते हैं, अपनी हिम्मत दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। तो अभी माँ नंदा देवी की पाती खड़ी हो रखी है, सारे के सारे अभी खाना खाने के लिए जा रखे हैं और हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। नंगे पाँव चल रहे हैं यार आजकल, ये देखो नंगे पाँव चल रहे हैं, क्योंकि ना अगर हम जूते पहनेंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होएगी, कोई टपा लेगा, इस वजह से नंगे पाँव चल रहे हैं। और ना कुणेद गाँव इस साइड को है, यहाँ पर देखो, और पाती ना माँ नंदा देवी की पाती एक उस गांव में भी हो रही है जो दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, ऐठी गांव में। और हम लोग आ रहे थे कुणेद गांव में, हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर ही आगे है, पैदल मार्ग है, इस वाली पीक से हम लोग आए। तो अभी हम ना नीचे जा रहे हैं, कुछ देर में भव्य कौथिक या मेला जो भी है माँ नंदा देवी का शुरू होने वाला है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, व्लॉग पसंद आ रहे तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। और हाँ दोस्तों, ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ सब कुछ होता है, देवी देवता भूत पिशाच जो भी आप समझते हो, देवभूमि में सब कुछ होता है। तो आपने देखा होगा क्या ही देवताओं का मंडाण लगा हुआ था माँ नंदी देवी की पाती पर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा भाई साहब क्या ही ककड़ी लगे हुए थे। तो थोड़ी देर में भव्य मेला शुरू होने वाला है, हम भी ऊपर निकलते हैं, आपको सीधे ऊपर ही मिलेंगे। बीच बीच में ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है, जो भी दिखा रहा हूँ सिनेमैटिक देख लेना। तो मिलते हैं। ना बाटू बताणू ना सम ले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा, ना बाटू बताणू ना सम ले के जानू ना वेयू अपाणू बिराणू चा। Thank you.
पड़ गई भारी, मेरी टी शर्ट थी वो फट गई। ये पीछे देखो, तो वीरू भाई की हालत देखो भाई। अरे यार भाई साहब यहाँ देखो, अब जो ये पति है इसे गिराया जाएगा। तो अभी पति को काटा जा रहा है यहाँ पे, ये देखो इस साइड को लटकाया जाएगा और फिर जो उस पर ककड़ी लगे हुए हैं ना वो आपको एक भी नहीं दिखेंगे। अभी वीडियो शूट हो रहा है सुपर व्यू मोड पे। अब पति लड़के की, अब पति का कोथी का ये समापन चल रहा है। देखो यहाँ पे मेरे भाइयों, अंतिम घड़ी ने समापन समारोह एकदम नंदा देवी की विदाई के बाद अब किसी ने पति नहीं लूट पाया कोई लोग। कैसे नहीं लूट पाए हमारे गांव के, क्या गए सबसे ऊपर से थोड़ी गए हैं, पर आधे भी नहीं चढ़े। मरोड़ के गए ना? नहीं नहीं गए मरोड़ के। सम्मान नहीं करोगे हमारा? नहीं नहीं, काहे के लिए सम्मान करने का। अरे कर लो यार। थोड़ी सी गए, पर थोड़ी सी का मतलब क्या होता है? काफी गए, आधे भी नहीं, आधे तक कोई नहीं गया है। जहाँ तक रसिया वहाँ तक गए। तो दोस्तों हो चुका है पत्ती का मेला खत्म और हमारे शक्ति भाई थे सबसे ऊपर जाने वाले। कैसा लगा आपको? हमारे गांव के हैं, हमारे ही गांव के हैं, बहुत मस्त लगा। सपोर्ट मिल रहा था नीचे से, दबा दब सपोर्ट नहीं मिला मुझे। अब सच सच बताओ कितने दिन तक अब शरीर में दर्द रहे? शरीर में दर्द अब देखते हैं, लेकिन हम तो अब तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त? तो चलो अब हम जा रहे हैं गांव। गांव आ रहे हो? नहीं, आई एम गो टू हेलीसेंट। तो भाई काफी मजा आया, मुझे कुछ चीज का गम नहीं है। मेरा पैर पे चोट लगी, मुझे गम इस चीज का, मेरी 200 की टी शर्ट फट गई। मैं एक बार गया उसे लोगों पात पड़ गया, मैंने कहा छोड़ो अब। तो दोस्तों कपड़े वपड़े सब फट चुके हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।